एवरीवन, वेलकम टू आशा सुपर बिल्डिंग। आज हम बिगनर्स के लिए क्लास 3 लेके आए हैं। इसमें हम ड्राई शेडिंग करेंगे, ड्राई शेड करेंगे। और इसके लिए हमने कलर लिया है, डार्क रेड है, ये क्रिप्सन रेड है, और लाइट ग्रीन लिया है, लाइट ग्रीन और डार्क शेड दो कलर लिया है। ब्रश हमने लिया है 06 नंबर, क्या हमने ब्रश लिया है 06 नंबर। इसके लिए कोई सा भी दो कलर ले सकते हैं, यहाँ मैंने बेसिक कलर लिया है, आप कोई सा भी कलर लेके इसको शुरू कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हम बताने जा रहे हैं, आप पूरा देखें वीडियो को ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें और कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पहले हमने डंडल से शुरू किया है ग्रीन पार्ट से। इसके लिए हमने लाइट ग्रीन कलर लेके ब्रश में थोड़ा सा लगा लिया और पतली डंडल को हल्के हल्के से इसको रब करेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कलर हमारा। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई सा भी दो बेसिक कलर ले सकते हैं और इससे कोई सा भी पैटर्न सीख सकते हैं। आपको ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा ब्रश की ज़रूरत है, आप पेन ब्रश से शुरुआत कर सकते हैं। डंडल के बाद अब पत्तियों को किनारे किनारे से आउटलाइन करेंगे। पहले आउटलाइन करने से ये शेडिंग इसकी शेड अच्छे से जाता है। आप पहले आउटलाइन कर लें, धीरे धीरे ब्रश को आगे बढ़ाएं। बिगिनर्स धीरे धीरे ब्रश को आगे बढ़ेंगे तो उसको आसानी होगी। ब्रश में थोड़ा सा नोक पर कलर लेके उसको धीरे धीरे लाइन पर चलाएं। लाइन पर चलाने से होगा ये होगा कि आपको सीधे सीधे ब्रश चलाना आ जाए। करने के बाद सेंटर में एक लाइन खींचेंगे, इससे बीच का पार्ट दोनों भागों में बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद शेड देंगे। शेड देने के लिए पहले आउटलाइन करेंगे, बीच से धीरे धीरे ब्रश को चलाएंगे और उसको थोड़ा रब करेंगे। देखिए सिंपल तरीके से बनाएंगे तो आसानी होगी। और उसके बाद सेंटर से उसको शेडिंग देंगे। पहले सेंटर से नीचे, बीच से नीचे की ओर शेडिंग देंगे। हल्का हल्का ब्रश चलाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। पहले हल्का हल्का आधे में ब्रश चलाएंगे। आधे में ब्रश चलाने के बाद ऊपर जो खाली बच गया है बीच बीच में, उसको ब्रश की सहायता से नीचे की ओर खींचेंगे और वो फिल होने लगेगा। फिल होने पे ये काफ़ी अच्छा लगने लगता है, शेडिंग अच्छी आती है। नीचे की ओर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा शेड देंगे और फिर इसको रब करेंगे। नीचे की ओर रब करेंगे और शेडिंग देंगे। इसके बाद दूसरी तरफ, दूसरी साइड से नीचे से ऊपर की ओर शेडिंग देंगे। यहाँ दूसरी साइड से हमने नीचे की, नीचे से ऊपर की ओर शेडिंग देंगे ताकि ये एक अच्छा लुक ले गया है। शेडिंग देने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करें ताकि आप बेहतर समझ सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को सपोर्ट करें ताकि और भी वीडियो हम ला सकें। क्लास 1 और 2 हमने पहले अपलोड कर दिया, पहले आप वो देख लें, उसके बाद 3 क्लास देखने से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और लाइक करें। पत्तियों के बाद अब हम फ्लावर को कलर करेंगे, शेड देंगे। ड्राई शेड देने के लिए हमने रेड कलर को चूज़ किया है। थोड़ा सा रेड कलर ब्रश पर लेके सेंटर से शुरुआत करेंगे। सेंटर में थोड़ा सा लाइन के ऊपर इसको चलाएंगे और हल्का हल्का उसको रब करेंगे। रब करने का मतलब है ये है कि उसको चलाएंगे और कपड़े में अच्छे से ऑब्जॉर्ब होने के लिए। यहाँ हमने लाइन से कलर को लगाया है, लाइन पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। बिगनर्स के लिए ये स्टेप बहुत ही अच्छा है ताकि आपको आपका कलर इधर उधर ना जाए और सीधे सीधे लाइन पे लगे। आप कोई भी सिंपल सा फ्लावर बना सकते हैं। यहाँ हमने 4 पेटल का फ्लावर बनाया, आप 2-1 भी बना सकते हैं। सीखने के लिए आप शुरुआत 0 से ही कर सकते हैं। सिर्फ ब्रश चलाने के लिए आना चाहिए और शेडिंग देने के लिए और फिल करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लाइन खींचने के बाद 20 से थोड़ा कलर लेके, ज़्यादा कलर नहीं लेना है, जितना ब्रश में आए उतना कलर लेना है और धीरे धीरे शेडिंग देनी है। इसमें थोड़ा सा कलर लेके बीच से ऊपर की ओर खींचेंगे, हल्के हाथों से कलर लगाएंगे ताकि हमारा कलर बिखरे ना। बीच से हल्का हल्का जिस तरह इस वीडियो में बताया गया खींचेंगे और अंदर की ओर जो खाली जगह बच जाता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा कलर लेके अंदर उसको फिल करेंगे। आधे पे ही फिल करेंगे, ज़्यादा बाहर तक नहीं निकालना है। आधे पे फिल करेंगे आप और ऊपर की ओर लकीरों की तरह शेडिंग देंगे। शेडिंग देने हल्के हाथों से करेंगे तो ये आपका अच्छा शेड आने आएगा और फ्लावर ख़राब नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह पूरे फ्लावर को, पत्तियों को हम फिल करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, आपको सही से समझ में आ जाएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब।